Hello students, we are starting English for you today with the unit 1 called Haldi's Adventure. Hi bachcho, aaj hum aapki English ka naya lesson ek shuru karne ja rahe hain aapki book mein jiska naam hai Haldi ke Bahadur ke Karname. Adventure hota hai jo bahut bahaduri se koi kaam karta hai, theek hai? So badi interesting story hai, hum sab padhenge usko, theek hai? एक फोटो भी हमने डाला है इसका जो आपकी बुक में है. अभी आपको ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी बुक से फोटो है. यहाँ पे दो करेक्टर हैं, हल्दी है लड़की, स्माइली है जिराफ का नाम. आइए अब हम जिराफ के बारे में कुछ जानते हैं. ये फोटो को देखो बेटा, कितना लंबा ऊंचा एक जिराफ है ना. So, इसको ये बहुत एक जानवर, जंगली जानवर होता है जो अभी हमारे यहाँ इंडिया में देखने को नहीं मिलता. बाहर के देशों में है, जू में होता है, जंगल में होता है. अब जब हम कोई फोटो देखते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, है ना, उस एनिमल को लेके. क्या खाता है, कैसे रहता है, देखो कितनी लंबी गर्दन है उसकी, है ना. घास और पत्तियां खाता है और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों से खाता है. क्यों? क्योंकि गर्दन उसकी बहुत ऊंचे तक जाती है. सो लंबी लंबी टांगे होती हैं, लंबा सा उसका गला होता है एंड बहुत लंबा होता है. फोटो से आपको पता चल रहा है ना. आइए थोड़ी सी कुछ और बातें जिराफ के बारे में अब हम जानते हैं, ठीक है. सो जिराफ, जिराफ के स्पेलिंग देखो क्या है. सबसे पहले GIRAFFE, ये इस एनिमल का नाम है जिराफ. लेकिन कहानी में इसका नाम उन्होंने रखा है स्माइली. इसको जिराफ कहते हैं. जिराफ इज द टॉलेस्ट लिविंग एनिमल एंड कैन रन वेरी फास्ट. जिराफ सबसे लंबा जीवित प्राणी है, जानवर है जो बहुत तेज भाग सकता है, ठीक है. अब हमें जिराफ के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात पता चल गई है ना. वो बहुत तेज भागता है और वो सबसे लंबा जानवर है. दूसरा पॉइंट है इसका, द जिराफ हैज अ वेरी लॉन्ग नेक. अभी हमने फोटो देखी थी ना, तो बहुत लंबा गर्दन होता है उसका, बहुत लंबा. तीसरा पॉइंट, द जिराफ ईट्स लीव्स From the trees and grass. जिराफ क्या खाता है? हरे पत्ते. और वो किसी तरह के और जानवर का शिकार नहीं करता, वो सिर्फ हरे पत्ते खाता है और घास फूस खाता है. अगला पॉइंट, the giraffe lives in the forest. जिराफ जंगलों में रहता है. वो आम शहरों में सड़कों पे देखने को नहीं मिलता, जहां पे भी, जिस भी देश में या जिस भी शहर में वो है, लेकिन वो जंगल में होता है या फॉरेस्ट में होगा या जू में होगा, चिड़ियाघर में कभी देखने को मिलता है, ठीक है. ओके, सो द लास्ट लाइन हियर इज, इन इंडिया वी कैन सी जिराफ्स ओनली इन जूज. तो इंडिया के जंगलों में बेटा जिराफ नहीं है. तो हमारा ऐसा हो सकता है सरकार बाहर से जिराफ्स को लाके यहाँ के चिड़ियाघरों में रखा हुआ. So, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें पता चली हमारे जिराफ जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि जिराफ कैसा दिखता है और जिराफ के बारे में अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स हम सबको पता चली. नेक्स्ट सेगमेंट में जब हम कहानी पढ़ेंगे तो आप सबको याद रहेगा कि जिराफ ऐसा होता है.